हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी हो गया शाम का टाइम और मैं और मेरा बेटा निकल लिए मार्केट के लिए, क्योंकि हमें लेनी थी कुछ मेडिसिन मेडिकल स्टोर पर जाकर। वैसे तो इतना ठंडा था कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी ठंडी, तो बिल्कुल मूड नहीं था जाने का, लेकिन बस वो कुछ ज़रूरी काम था तो मैं निकल ली हूँ बेटे के साथ मार्केट। और शिव और मैं ही जाते हैं आजकल जो आसपास के काम करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आजकल शिव ना आसपास के मार्केट में स्कूटर चलाने लग गए हैं, तो मेरा तो आजकल स्कूटर चलाना बंद ही हो गया है। शिव ही चलाते हैं और शिव लेकर आ गए मुझे मार्केट में। और यहाँ पर मैं मेडिसिन ले रही हूँ मेडिकल स्टोर से, और आज मेडिकल स्टोर को ऐसा खाली देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम मेडिकल स्टोर पर आई थी तो काफ़ी भीड़ थी और मुझे देखकर काफ़ी दुख हुआ था कि फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए हैं और ओमिक्रॉन भी आ गया है। तो ये देखकर बड़ा दुख होता है कि इतने लोग बीमार हैं, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेडिकल स्टोर पर कोई भी नहीं था, पूरा खाली खाली था। तो इससे पता चल रहा है कि लोगों केसेस कम हो रहे हैं और लोगों में बीमारी कम हो रही है। और दवाइयाँ लेकर मैं पहुँच रही हूँ सीधा घर, क्योंकि ठंड में घूमना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इतनी ठंडी हवा में। मेरा भी गला ख़राब चल रहा है अभी, तो और बीमार पड़ जाएंगे। तो मैंने शिव को बोला कि अभी घर ही चलते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे किसी दिन आकर। और मैंने कैप भी नहीं पहन रखी थी, मैं पहनना भूल गई थी, तो मुझे कानों में भी इतना ठंडा लग रहा था, तो मैंने शख्स की ही कैप डाल ली है ठंड के कारण। और बस अब मैं पहुंच गई हूँ घर पर। और ये सुबह का क्लिप है, और यहाँ पर और मैं कर रही हूँ भगवान जी की पूजा। और पूजा के बाद लेकर आ गए हैं सब्जियाँ, नीचे सब्जी वाला आ गया था तो फिर मैं नीचे गई और सब्जियाँ लेकर आई हूँ। और सब्जियों में आज मैंने बहुत सारी सब्जियाँ खरीदी हैं, क्योंकि आज बनने वाला है सरसों का साग, तो सरसों के साग के लिए तो काफ़ी सारी सब्जियां चाहिए होती हैं। तो काफ़ी सारी जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं वो मैंने ले ली हैं। यहाँ पर मैंने पालक, सरसों का साग, मेथी, बथुआ वगैरह सारा कुछ ले लिया है। क्योंकि सरसों का साग सर्दियों में अच्छा भी लगता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा चले जाते हैं उसमें, खाने में आ जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पर ले आई हूँ सारी सब्जियाँ खरीद कर, और अब मैं बनाऊँगी आज सरसों का साग। और सब्जियाँ सारी बहुत अच्छी आ रही हैं कि देखकर मज़ा सा आता है कि बहुत बढ़िया सब्जियाँ हैं, पालक मेथी वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। तो देखते हैं कौन कौन खाते हैं, मतलब बच्चों को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, पर थोड़ा बहुत खा लेंगे वो लोग भी। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ आ गई हैं और अब बनाना शुरू कर दिया हम लोगों ने सरसों का साग। लेकिन अभी जो सरसों का साग, मतलब जो सारी सब्जियाँ काटी गई हैं, तो उसमें काट दिया है मेथी, और मेथी नहीं डालना था, वो मैंने नहीं काटा था, गीता ने काटा था, तो उसने डाल दिया है। तो मैं उसमें से मेथी निकाल रही हूँ, क्योंकि मेथी डालने से और कड़वा बन जाएगा और कोई भी नहीं खाएगा। कुछ लोग मेथी पसंद करते हैं, पर मेरे यहाँ मेथी बिल्कुल नहीं डालती हूँ मैं, और वो गलती से कट गया है क्योंकि सारी सब्जियाँ साथ में रखी थी। तो मैंने उसमें से सारा मेथी के पत्ते निकाल रही हूँ, और ये थोड़ा मुश्किल काम हो गया है क्योंकि सारा गड़बड़ हो जाएगा आज का साग। तो अभी मैंने सारी मेथी निकाल दी है और अब उसकी सब्जी बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर सब्जी पक गई है, ये जो सरसों का साग है उसकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर प्याज और लहसुन अदरक वगैरह सबसे पहले पीस लिया हम लोगों ने, और अभी उसको फ्राई कर रहे हैं। और यहाँ पर आलू गोभी भी तैयार हो गया है। तो ये सारी सब्जियाँ तैयार हो गई हैं, और अब उसके बाद मैं रोटियाँ सेक लूँगी। और साग का कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, खाने में भी बहुत काफ़ी टेस्टी बना है। तो बस यहाँ पर साग और रोटी है, आलू गोभी की सब्जी है, और यहाँ पर बना रही हूँ मैं रोटियाँ। और रोटियाँ सबको बिल्कुल करारी करारी गरम गरम रोटियाँ पसंद हैं, तो बस वही बन रही हैं। और ये रोटी काफ़ी देर तक सिकती है, क्योंकि थोड़ा मोटी वाली रोटी बनाई है मैंने, और इसको काफ़ी देर तक सेकेंगे और उसके बाद मैं खाना लगा देती हूँ।
और ठंड इतनी हो रही है कि रोटियां सेकने में भी टाइम जाता है। जैसे गर्मी में रोटियां फटाफट बन के तैयार हो जाती हैं, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी रोटी को सेकने में काफ़ी टाइम जाता है, क्योंकि सब कुछ इतना ठंडा होता है कि गर्म होने में भी टाइम जाता है। तो यहाँ पर रोटियां बन के तैयार हो गई हैं और मैं सबका खाना लगा रही हूँ। और यहाँ पर आलू का पराठा भी बनना है, तो मुझे आलू का पराठा बनाऊंगी इस खाने के बाद। तो सबसे पहले ये सरसों का साग सर्व कर दिया है मैंने, और साथ में रहेगा आलू का गोभी की सब्जी। और यहाँ पर मैंने खाना वगैरह सबका बना दिया है, लेकिन अभी भी मुझे और काम करना है, क्योंकि घर में जितने मेंबर होते हैं ना, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। तो जैसे मैंने अभी मैंने बताया कि सरसों का साग शिव बिल्कुल नहीं खाता है, और शिव की डिमांड चल रही है कि मुझे आलू का पराठा खाना है। तो अभी मैं बनाऊंगी उसके लिए आलू का पराठा, क्योंकि बच्चों की फिर वही रहता है कि वो लोग ठीक से खाना नहीं खाते, फिर कुछ उल्टा सीधा नमकीन बिस्किट वगैरह से पेट भरते हैं। तो फिर मैं उसके लिए पराठा बना दूँगी, जिससे कि वो अच्छे से खाना खा लें। और बाकी सबका खाना हो गया, बाकी सब मम्मी पापा और ये और मैं, हम चार लोग तो आराम से खा लेते हैं कुछ भी जो भी घर में बनता है, पर बच्चों की बहुत नखरे होते हैं। तो बस मैं अब जा रही हूँ उसके लिए आलू का पराठा बनाने, और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।